पहला पाठ भाषा एवं व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा लैंग्वेज वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान दूसरे लोगों से करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार शब्दों और वाक्यों से भाषा बनती है। भाषा के रूप काइंड्स ऑफ द लैंग्वेज। भाषा तीन रूपों में पाई जाती है, क मौखिक भाषा, ख लिखित भाषा, ग सांकेतिक भाषा। क मौखिक भाषा, जब हम बोलकर किसी से विचार तथा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ख लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने मन के भाव या विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ग सांकेतिक भाषा, जब हम एक दूसरे को संकेतों के द्वारा अपनी बात समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हम यह समझ गए हैं कि बोलने के लिए ध्वनियों, शब्दों और लिखने के लिए हमें लिपि का सहारा लेना पड़ता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगला, तेलुगु, मराठी आदि, जिनमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिपि स्क्रिप्ट, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। परिभाषा, वे चिन्ह जिनके द्वारा किसी भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है उन्हें भाषा की लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं हैं तथा प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि है। संस्कृत एवं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसमें कुल 52 चिन्ह होते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। व्याकरण ग्रामर। व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्धता व सुंदरता प्रदान करती है। भाषा को सीखने के लिए वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। परिभाषा, व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, संस्कृत एवं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसमें कुल 52 चिन्ह होते हैं।